के बारी ये अर्ज की घोड़े लेके आज के बारी खैमे की तरफ हजरत आप फरमाए खैमे की तरफ ले चलूं हजरत की सवारी खैमे की तरफ ले चलूं हजरत की सवारी खैमे की तरफ ले चलूं हजरत की सवारी पसंद है सुभान अल्लाह कह दें तवज्जो देके सुनेंगे ये नवासा है नबी का कैसा नवासा है मगर नवासा तो एक तरफ यहाँ तो नबी की नवासी भी ऐसी है सुभान अल्लाह वो तो घराना ही ऐसा है सैयदना मजलूम अशरफ सिंघानी को देख लो सरकार को देख लो ये दो विषय दे रहा हूँ ये घराना है नबी का ये नबी का घराना है खुदा की कसम ये नबी का घराना है सैयदना मजलूम अशरफ नबी का घराना है ये कैसा घराना है अशरफ का हर पाया हम लोग गुलाम अशरफ है मैं खुद अशरफ के सिलसिले से मौजूद हूँ अशरफ का हर पया पया में हुसैन है अशरफ का हर पया पया में हुसैन है अशरफ का हर पया पया में हुसैन है घराना है नबी का ऐसा घराना है खाए टुकड़े जिस घराने के उन्हीं से फिर गए खाए टुकड़े जिस घराने के उन्हीं से फिर गए खाए टुकड़े जिस घराने के उन्हीं से फिर गए दुश्मन नवासे की बात एक तरफ नवासी भी ऐसी है ये घराना है नबी का घराना ही ऐसा है नबी का घराना ही ऐसा है तवज्जो देंगे सैयदना हजरत बीबी ज़ैनब पे ये मिसर सुना रहा हूं कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब जहाँ पे जैसी जरूरत
सैयद के खून का, ये मौजजा तो देखिए सैयद के खून का, ये मौजजा तो देखिए सैयद के खून का। ये घराना है नबी का, तवज्जो याद रखेंगे, ये मौजजा तो देखिए सैयद के खून का, ज़ैनब हुसैन बन गई कर्बला के बाद। ये घराना है नबी का, कर रहा हूं तवज्जो देंगे तमाम हजरात, ये मिसरा सुना रहा हूं, तवज्जो देके सुनेंगे। शबीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, शबीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। हर जुल्म पे फतेह का ऐलान है ज़ैनब, हर जुल्म पे फतेह का ऐलान है ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में तवज्जो देंगे, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। और चेहरे से छलकता हुआ किरदार पैगंबर, 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 लफ्ज़ों में बोलता हुआ कुरान है ज़ैनब। ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का, घराना है नबी का, ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। समय अगर इजाजत हो, 8-10 शेर की एक गिरह नजर करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो हाथ उठा के बोल दें। इजाजत है। ये तो थी करबला की बात, मगर करबला के बाद का मंजर पेश कर रहा हूँ, जिसे हम लोग आप लोग माबादे करबला कहते हैं। तवज्जो देके सुनेंगे। जब मुल्क शाम का फुला पहुंचा हुसैन का दरबार में तलब हुआ कुनबा हुसैन का। आबिद से ये यजीद ने पूछा तू कौन है, आबिद से ये यजीद ने पूछा तू कौन है। मैंने तो मिटा डाला था कुनबा हुसैन का, मैंने तो मिटा डाला था कुनबा हुसैन का, मैंने तो मिटा डाला था कुनबा हुसैन का। यजीद सोच रहा है कि 6 महीने के बच्चे को नहीं छोड़ा गया, ये कौन जवान है। तो यजीद हजरत ज़ैनुल आबिदीन से फरमा रहा है, कह रहा है, आबिद से ये यजीद ने पूछा तू कौन है, मैंने तो मिटा डाला था कुनबा हुसैन का। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जवाब दे रहे हैं कितनी खूबसूरती से, तवज्जो देंगे। आबिद ने कहा, बानों का नूर चश्मू हूँ आबिद है मेरा नाम, बानों का नूर चश्मू हूँ आबिद है मेरा नाम, बानों का नूर चश्मू हूँ आबिद है मेरा नाम, बेटा हूँ मैं हुसैन का पोता अली का हूँ, बेटा हूँ मैं हुसैन का पोता अली का हूँ, बानों का नूर चश्मू हूँ आबिद है मेरा नाम, पोता हूँ मैं अली का और बेटा हुसैन का,
मचल जाइएगा इन मिसरों पे। ए पोता हूँ मैं अली का और बेटा हुसैन का, बोला यजीद तुझको भी जिंदा न छोड़ूंगा, बोला यजीद तुझको भी जिंदा न छोड़ूंगा, काटूंगा जड़ से नस्ले तमन्ना हुसैन का, काटूंगा जड़ से नस्ले तमन्ना हुसैन का, तू सैयदों की नस्ल मिटाऊंगा देखना, तू सैयदों की नस्ल मिटाऊंगा देखना, जाएगी नाम भूलिए दुनिया हुसैन जाएगी नाम भूल ये दुनिया हुसैन का। यजीद कह रहा है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से, यूं सैयदों की नस्ल मिटाऊंगा देखना, जाएगी नाम भूल ये दुनिया हुसैन का। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आप कह रहे हैं डांट के, आबिद ने कहा डांट के खामोश बेअदब। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया उसकी बातें सुन के। आबिद ने कहा डांट के खामोश बेअदब, मैं जिंदा हूं तो नाम है जिंदा हुसैन का। कह दीजिए सुभान अल्लाह एक बार, सुभान अल्लाह। आबिद ने कहा डांट के खामोश बेअदब, मैं जिंदा हूं तो नाम है जिंदा हुसैन का, और जब तक ये आसमान ज़मीन और ज़मीन